स्थिति कैसी भी हो, हर स्थिति में मीडिया की जवाबदारी अलग किस्म की होती है। समाज को जागरूक करने और शासन प्रशासन को सतर्क करने का काम मीडिया करता है। इस कोरोना काल में भी मीडिया अपनी पूरी जवाबदारी के साथ काम कर रहा है। हम लोग सड़कों पर उतरते हैं इसलिए कि आप तक सही और सच्ची खबरें पहुंच सके, सूचनाएं वो पहुंच सके जो आपको राहत दे। लगातार हम संपर्क में रहते हैं शासन प्रशासन के, ताकि उनसे मिलने वाली सूचनाएं मुकम्मल हो और प्रामाणिक। पुलिस के साथ मिलकर हम उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई को आप तक पहुंचाते हैं। हमारी आपसे भी अपेक्षा होती है कि आप हमारे काम के साथ शासन और प्रशासन को सहयोग करें। यह समय बड़ा संकट का है। मई का पहला हफ्ता गुजरने को है। पिछले 2 महीने से हम इस संकट से गुजर रहे हैं। आगे कब और कितना हम इस संकट को झेलेंगे कोई कह नहीं सकता, लेकिन सावधानी और सतर्कता हमें इस मुसीबत से जल्दी ही पीछे छुड़ाएगी। लगातार बार बार समझाने के बावजूद दरअसल हम सतर्कता नहीं बरत पा रहे हैं। इस सतर्कता नहीं बरतने की वजह से कई सारे संकट हमारे सामने आ रहे हैं। मैं गर्व कर सकता हूँ, मुझे गर्व है, मैं एक ऐसे पेशे में हूँ जो समाज के काम आता है। मैं सड़कों पर हूँ, मेरे साथी सड़कों पर हैं, मेरे दोस्त सड़कों पर हैं, तो अपने लिए नहीं आपके लिए। मैं इस बात के लिए तहदिल से शुक्रिया करता हूँ पुलिस प्रशासन का और शासन का कि जो लगातार हमारे साथ समन्वय बना रखी हुई है। हम सब मिलकर इस समाज को इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं। कोरोना दरअसल एक बीमारी नहीं बल्कि एक मौत है जो आहिस्ता आहिस्ता दस्तक देकर कब किसके गले पड़ जाए कोई नहीं जानता। शासन लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है, प्रशासन इस बात की कोशिश कर रहा है कि आपको दैनंदिन जीवन की ज़रूरतों की सामग्री आप तक बड़े आराम से सहूलियत के साथ पहुँचे। देखने में भी आ रहा है कि अभी ऐसा कोई संकट नहीं हुआ है कि आपको दूध ना मिले, सब्जी ना मिले या राशन के कोई सामान ना मिले। घर तक पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। बावजूद कुछ थोड़े से लोग हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि उनकी जवाबदारी क्या है। वो सड़कों पर चले आ रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई काम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि आप भी तो सड़क पर हैं, आपके होने और हमारे होने में फ़र्क है। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, हम शासन प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, हम आपके जीवन को बचाने का हर संभव यत्न करते हैं। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम पुलिस नहीं हैं, लेकिन हम इन सूचनाओं से आपके भीतर एक सकारात्मकता पैदा करते हैं। आप उस निगेटिविटी से बाहर आते हैं जो आपको डराती है। आप डरे नहीं, आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और एक सुंदर सी ज़िंदगी जिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बार बार सड़कों पर आते हैं और पुलिस का काम बढ़ाते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि मैं मीडिया से हूँ, मुझे गर्व है कि मैं अपने काम के साथ न्याय करता हूँ। मेरा काम है लिखना, पढ़ना और बोलना। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। मेरा काम है लोगों में सकारात्मकता का भाव पैदा करना, उनके भीतर बैठे डर को दूर करना। निश्चित रूप से ये समय ऐसा है कि डर बहुत स्वाभाविक रूप से किसी के भीतर भी आ सकता है, लेकिन अच्छी खबरें, अच्छी सूचनाएं आपको आपके भीतर बैठे हुए डर को दूर करती हैं। मुझे प्रसन्नता होती है कि पिछले वर्षों में, कई वर्षों में हम पुलिस की आलोचना करते रहे, लेकिन अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें पुलिस ने का नया चेहरा देखने को मिला, एक दोस्ताना चेहरा देखने को मिला है जो हमारे घर तक आ रही हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं, खान पान से लेकर हमारे जन्मदिन मनाने से लेके और तो और कई ऐसे जनों को जिनके कंधा देने वाले लोग नहीं हैं उनको कंधा दे रही है। दरअसल पुलिस के साथ ये दोस्ती का वक्त है, पुलिस को समझने का वक्त है। हमारी एक जवाबदारी और भी है कि आपकी ज़िंदगी जितनी आसान हो सके उसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो हम सरकार और शासन की जहाँ कमियाँ होती, जहाँ लगता है कि हाँ कुछ ढिलाई हो रही है,
तो हम उनको सचेत भी करते हैं, सतर्क करते हैं। आप सब लोग आनंद के साथ रहें, मज़े के साथ रहें, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपना पक्ष आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सतर्क रहिएगा। मुझे इस बात में बड़ा अफसोस है कि जो शराब की दुकान खोलने का फ़ैसला किया गया है, दरअसल ये फैसला मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। जीवन से बड़ा शराब नहीं है। शराब को लेकर जिस तरह की खबरें, सूचनाएं सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर देखने सुनने को मिल रही हैं, वो दिल बहला देने के लिए है। जो बात पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम कोरोना को पराजित कर सकते हैं, लेकिन इस शराब ने सारे नियम कायदों को दरकिनार कर दिया है। शराब पीना बहुत ज़रूरी नहीं है। सरकार क्या करती है या क्या नहीं करती, जीवन आपका है, आपको फैसला लेना है। हम मीडिया आपको सतर्क रहने कहते हैं, शराब से दूर रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बच्चों को, बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को आप देखिए, आप संभालिए, आप घर पे रहें, हम आपके लिए सड़कों पर हैं, शासन आपके लिए सड़कों पर है, पुलिस आपके लिए सड़कों पर है। आप उन खबरों को तरजीह दीजिए, उन प्रामाणिक खबरों को देखिए जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये खबरें ठीक हैं। बहुत सारी फेक न्यूज़ चल रही हैं, आप ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल मत पढ़िए। अखबार का काम, टेलीविज़न का काम, मीडिया का काम सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल और प्रामाणिक खबरें आप तक पहुंचाने का है। मैं एक बार फिर अपने सारे साथियों का धन्यवाद करता हूं कि जो इस संकट काल में भी अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं अपनी जान की फिक्र किए बिना। उन सारे साथियों को मेरा सलाम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।